हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट उठाऊँ मैं, 10 बज चुके हैं, ओरियो भी उठ चुका है। मेरा प्लान तो था कि सुबह मैं 6 या 7 बजे उठ जाता, मुझे जल्दी उठना था और बाहर भी जाना था घूमने के लिए, बट फिर भी लेट हो गया, 10 बज गया। मुझे जल्दी से अपना शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा, मुझे जल्दी उठना ही है ताकि सुबह सुबह घूमने जा सकें और रात को जल्दी सोना है। देखते हैं कब ये पॉसिबल हो पाता है, आज तो नहीं हो पाया। बाय द वे, ओरियो रात भर साथ में सोया था। ओली, मेरे को सुबह जल्दी उठा दिया कर यार, कह रहा मैं खुद नींद में रहता हूँ, अब भी फुल नींद में है। तो लेट उठने के बाद तो आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। 10 बज के फिर मैं नहाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, 12 बज जाएंगे, आधा दिन खत्म। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जल्दी उठने के लिए। आजकल पीयूष जल्दी उठ जा रहा है ट्यूशन की वजह से, नहीं तो ये भी यूजुअली 10-11 बजे उठता था। चले क्या? कहाँ जा रहे हो? आधार कार्ड बनवाने चलना। मैं क्या करूंगा, घूम लियो, वैसे गर्मी हो रही है बाहर। बाइक पे चलेंगे, बाइक पे, बाइक में नहीं लगती गर्मी। अंदर ही तो पसीना हो रखा है, बाइक पे और लगते गर्म हवा। लू कुछ खा पी जाएंगे। तो आज का सबसे पहला काम आधार कार्ड बनवाना है, 12 बजने वाले हैं, आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया। तो ब्रेकफास्ट में सेब, तूने खा लिया खाना? तो होपफुली मेरा आधार कार्ड का काम आज हो जाए, इतने दिनों से लटका हुआ है। मेरे को अपना एड्रेस चेंज कराना है, यहाँ का हो ही नहीं रहा। पीयूष का भी हो गया, सबका हो गया, मेरा ही नहीं हो रहा। जबकि मेरे को जरूरी, मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह मुझे करवाने हैं, बहुत सारे काम करवाने हैं ना यहाँ के। तो वही टेंशन हो रही है, आधार कार्ड की टेंशन हो रही है मेरे। लाइट बहुत इतनी गंदी आ रही है। गंदी आ रही है, ग्रेन्स आ रहे बहुत सारे, सही नहीं दिख रहा। मैं ले आएंगे आते हुए, लाइट ले आएंगे। तो गाइस अभी सौरदा खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। कितना सा है देखियो, कितना सा वाला छोटा सा, कितने वोट का? अब अपने को इससे बड़ा लेके आना है। हाँ। ताकि लाइटिंग अच्छी हो जाए, ये लेके चलेंगे साथ में। ले ये वाला नहीं डालता ना, बड़ा क्यों? बड़ा है तो, बड़ा है तो क्या हो गया? तो मेरे वाला तो यही है, मैं तो ये डालूंगा। आज हमारे साथ में जा रहे हैं पीयूष के टीचर, ये आज हमारा आधार कार्ड बनवाएंगे, देखते हैं। सरकारी काम में हमेशा ऐसे ही जाता है यार, होपफुली हो जाए आज। चले तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं और पूरा पसीना पसीना हो चुका है, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। तो गाइस अभी फिर से पोपट हो चुका है, यहाँ पर भी काम नहीं हुआ हमारा। तो अभी दूसरी जगह पे आए हैं, देखते हैं यहाँ पे काम होता है नहीं होता। तो गाइस यहाँ तो काफी भीड़ लगी है, टाइम लगेगा यहाँ पे। तो पीयूष की यहाँ भी पढ़ाई चल रही है, सर इसको माइक्रोसॉफ्ट बता रहे हैं। यहीं पे बगल में माइक्रोस्कोप की दुकान थी ना, तो सर कहते हैं पीयूष को चल तेरे को माइक्रोस्कोप दिखाता हूँ, आजकल पढ़ा रहे ना उसको ये सब। तो फाइनली गाइस आज काम हो चुका है, एक स्वीट से अंकल मिल गए थे हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने करवा दिया। तो गाइस अभी काम तो हो चुका है और अभी हम आए गोलगप्पे खाने। आधार कार्ड बनवाने के बाद जो सुकून मिल रहा है ना, अब पार्टी करेंगे हम। चलो इसी बात पे। आटे के देना भैया, आटे के, आटे के नहीं, आटे के है ही नहीं। अबे यार कैसे हो रहा है, तीखे देना, तीखा। तो अभी गोलगप्पे तो हो गए, बहुत टेस्टी थे, अब से यहीं पे आएंगे खाने के लिए। अब चलते जल्दी से घर पे, आज हमारा लंच है अमर उजाला के ऑफिस में। तो फाइनली घर पहुंच गए। तो अभी फिलहाल रेडी हो गए पूरी फैमिली, मम्मी को छोड़ के हम जा रहे हैं अमर उजाला, आज वहाँ पे हमारा लंच था। तो वो काफी टाइम से बोल रहे थे आओ आओ, तो मैंने कहा चलो यार आज चलते। तो आज भी उसका इंटरव्यू है, आपका है। पहला इंटरव्यू मेरा नहीं, आपका है। पेपर है? हाँ। ये आज के दिन का जितना भी पेपर होगा, जितना भी आज प्रिंट होगा एक दिन में, इतना सारा ये भी और वो भी, तो इसमें ये रोल डलता है और फिर छपता है। तो फिलहाल मीटिंग हो चुकी है, इंटरव्यू हो चुका है, सब कुछ पूछ लिया और अब लंच होगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। हमारे घर के पास में ही है, फिलहाल मशीनों के ऊपर खड़े हैं। चल 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 चल, गिर जाएगा भाई। भूख लग रही है तेरे को? ये गोलगप्पे खा के आया है? ये वाले खुद नहीं खिलाए हैं। तो सारा काम हो चुका है, लंच भी हो चुका है, फिलहाल अब जा रहे हैं हम घर पे, काफी अच्छा लगा। कोई नहीं गया है, हम जैसे ही अंदर आए मम्मी को देखा, मम्मी यहाँ सो रखी, वाह क्यों नीचे क्यों सो रखी हो? तो अभी हम घर पे आ चुके हैं अमर उजाला के ऑफिस से, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था और काफी सारी बातें हुई थी पूरी टीम के साथ में, और हमको काफी चीजें पता चली, जैसे कि
न्यूज़पेपर छपता किस तरह से है, न्यूज़ के बारे में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, जो कि मज़ा आया और काफ़ी अच्छा लगता है कि बड़े बड़े लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के न्यूज़ वाले, प्रेस वाले, तो अंदर से ना एक और मोटिवेशन आ गया है और ये सब सिर्फ आप लोगों से पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सो मच। तो अभी अभी देखा आज वाली वीडियो भी हमारी ट्रेंडिंग में, तो लगातार 13 वीडियो हमारी ट्रेंडिंग में हो चुकी हैं। तो पीयूष को ये बॉटल मिली है गिफ्ट में, आते ही साइकिल लेके निकल लिया ये। चल बल्ब लेके आने हैं, ये बहुत छोटा सा है, एक काम करेंगे 10 बल्ब उठा लाएंगे बड़े बड़े। तो गाइस ओरियो यहाँ से निकल के बाहर जा चुका है, तो एक्सपोज हो चुका है कि ये यहाँ से निकल सकता है कभी भी, तो मतलब इस वाले गेट का कोई फायदा नहीं है, ओरियो कभी भी बाहर आ सकते हैं। बाय ओरी। ओरी बाय। हां उसको छोड़ के थोड़ी जा रहे भाई 10 दिन के। तो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं पीयूष का गिफ्ट लेने के लिए। मैंने इसको बोला था जो अच्छे से पढ़ाई करेगा ना तेरे को मैं नाइकी के शूज दिलाऊंगा। तो चलो चलो गाइस अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं शॉप पे और कितने अच्छे से जूते दिख रहे हैं। एक ही, सिर्फ एक। हाँ, मैं 10 थोड़ी गई। तेरे जो भी पसंद है एक पीस ले ले। मैं तो कहूँगा एयरफोर्स वन, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप। अरे ये वाला ही मस्त लग रहा है, ये देख। छुपा के ले जाते हैं। छुपा के ले जाते हैं। छुपा के? ऐसे मिल जाएगा इसके लिए? नहीं, इसमें तो नहीं मिलेगा। 6 नंबर नहीं मिलेगा भाई? बढ़िया तो लग रहा है, बता पक्का? इसको तो कस्टम करेंगे ना, वैसे ये वाइट भी अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस देखो हमारे नए शूज दिखाओ। तो अभी हमने ये वाले बल्ब ले लिए, पहले हमारे पास ये छोटे वाला था 3 वॉट का, अब हमने 9 वॉट का लिया, इसकी खुशी देखो। मैंने इसको बोला था अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो तेरे को दिलाऊंगा नाइकी वाले, ये भी कह रहा था मुझे चाहिए तो मैंने दिला दिया आज, अब और अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये हैं 10 बल्ब, अब लगा दो जल्दी से ताकि यहाँ पे अच्छे से जगमगा जाए सब कुछ। अभी देखो गाइस आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मम्मी भी आटा गूंथ रही है तो बहुत ग्रेन्स आ रही होंगी। कंफर्टेबल लगे तेरे को? हाँ, मस्त है ना। पापा जी हमारे घर में सबसे लंबे हैं, चढ़ने के लिए हम यूज कर रहे हैं इस टेबल का, छोटे वाले बल्ब निकाल के बड़े लगा रहे हैं। तेरा दिमाग खराब है कि बाथरूम में ये लगाऊंगा बस? बाथरूम में ये लगा इतना बड़ा? बाथरूम में क्यों चाहिए? बाथरूम में लगा देना एक बल्ब बड़ा, वहां पे नहीं है लाइट नहीं ज्यादा। बाथरूम में क्या चाहिए तुमको? इतनी बढ़िया लाइट है, इतना साफ दिख रहा है। ऐसा दिया कितना निकला है? अच्छा तू देखता है क्या? तू देखता है? तो अब किचन की बारी, किचन में तो और भी लाइट कम है। जगमगा गया पूरा, मजा आ गया भाई। ठीक है गाइस, तो अभी रात के 10:15 हो चुके हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिलहाल अब करेंगे डिनर। डिनर मैंने नहीं किया था बिकॉज अमर उजाला गए थे ना, तो वहाँ पे 4 बजे तो हमने लंच किया था, फिर अभी भूख ही नहीं लगी, अब लगी है भूख 10 बजे, अब अपना डिनर लेके आता हूँ। तो लाइट्स हमने सब जगह लगा दिए हैं, अब होपफुली ग्रेन्स थोड़े कम आ रहे होंगे, थोड़ा क्लियर आ रहा होगा। फिलहाल अभी डिनर करते हैं, डिनर में आज बनाए आलू एंड रोटी और मैंने एडिट वेडिट भी सब कंप्लीट कर लिया है। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल भी नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। इधर मुंह दिखा अपना, मुंह दिखा। तूने यहाँ भी मैगी मंगाई है? यहाँ भी मैगी? नहीं। मैंने कहा मैगी मंगा दी, उन्होंने क्या कहते, मैंने मंगाया थोड़ी कि मैगी खानी है, ऐसा थोड़ी कहा।